कमेंट भी थी, और उसके बाद माहिरा को मारने की धमकी उसने ऐसी दी थी। तो वो मैंने स्क्रीनशॉट से मतलब सारे के सारे स्क्रीनशॉट खींच के रखे थे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हमने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया कि मैं और मिसेस जाना सुबह सुबह जाते हैं बराबर, तो ये कभी नहीं उठती बराबर। और आज देखो अभी सुबह के 7 बजे है, कितने बजे? हाँ 7 बजे, और ये अभी से उठ गई। ओए क्या क्या इरादा क्या है तेरा, क्या क्या? बाकी ये भाई 10 बजे 10:30 बजे ऐसे टाइम पे उठती है, और आज उठ गई है 7 बजे। लेकिन कोई नहीं, अभी मम्मी खिलाएंगे, आप खिलाना उसको, हम लोग तो जा रहे बराबर। कभी नहीं उठती भाई 10 बजे से, तो कभी नहीं। हमने इसलिए सुबह 7:30 बजे का शो देख कर रखा कि मैं और मिसेज जरा जाकर देख कर आ, लेकिन ये माता जी उठ गए। कोई नहीं, चलो भाई अपना चाय पी ले फिर जाएंगे, तो मम्मी संभाल लेंगे, लेट्स गो। भाई टिकट तो बुक कराई है, लेकिन अभी ये माहिरा जाने नहीं देगी, तो प्रोग्राम किया है हमने कैंसिल, क्योंकि उठ गई मायो भाई, पूरा प्रोग्राम कैंसिल। देखो मैं मम्मी ने उनको छोड़ के आया, फिर भी अभी तक ये जगी रही, पूरा प्रोग्राम का सत्यानाश किया मायू ने। गुड मॉर्निंग, आज जगी रही है, कभी नहीं उठती इतने बजे, आज क्यों उठ गई? मम्मी 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 बी पापा 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 पापा। देखो जैसे 2 साल के बाद तो तुरंत इसके स्विच ऑन हो गए, सब बोलने लगे बेबी बेबी। पापा पापा बेबी पापा बेबी याव याव या बेबी बेबी। चलो भाई तो अभी पिक्चर देखने पे इसने बेचारे दिया, तो अभी इसकी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। 2 साल की हो गई, तो 2 साल की एक वैक्सीन लगवानी है। चल मायो ढोल बजाएगी, ढोल वैक्सीन का ढोल बजाएगी, ला मैं बजाओ देख। मायू तेरी फाइल है मायू, तुझे पता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है? वैक्सीन। वजन हो गया मायू, कितना तेरा वजन? ये 11.2 कितना? 11.2 वैक्सीन। चलो भाई अभी तो रोएगी। तो ये तुम एक बार चेक कर ले जाओ। भाई छुई सुई रमीले रमीले तू रमीले हवे सीधू 5 वर्ष सीधू आता वर्षे आवानू ने एवू ने बस आ छेल्लू छे मायू, भाई तू हमजणी थई जाय मायू बच गई, इसमें बुखार बुखार कुछ नहीं आएगा तेरे।
पकड़ू गल मायू। चलो अभी सीधा अप्रैल में आना है तेरी वैक्सीन, 8 महीने बाद ना। चू देखो भाई, मायरा ने पराक्रम किया, ये हाथ पे टी शर्ट दिखा, दिखा तेरा नाटक दिखा, ये देखो, ये देखो नया टी शर्ट है, नया टी शर्ट मायू। इससे कर रही थी वो, देखो रोई रोई रिहा गई। एक सेकंड में भूल भी गई। तो भाई कल हमारे मायू का बर्थडे था और आज कान्हा जी का बर्थडे आया, तो कान्हा जी के बर्थडे की तैयारी हो चुकी है। मायरा भी जग गई, मायरा ढोल बजाएगी, मायू इसमें बजाना ढोल, मायू ढोल बजाएगी। 1 मिनट की देर है कान्हा जी के बर्थडे में, उसके बाद कान्हा जी का बर्थडे, मायू मायू भी खुश खुश, ढोल बजा ढोल। चलो मैं ढोल बजाऊंगा भाई, कान्हा जी का बर्थडे हो तो बताना। 1 मिनट की देर है, हो गया देखो, हो गया। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। चलो मायू ढोल बजाए, बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो द्वारिका दीश जय। जय कन्हैया लाल पाल की, जय कन्हैया लाल। तो भाई अभी अभी कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हुआ, उसके बाद मैं एक काम करने बैठा था, वो काम करने बैठा लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत हुआ, मैं अभी बताता हूँ। आप सबको पता होगा कि कुछ कुछ लोग कभी कभी ऐसे कोई घिनौनी कमेंट है ना, वो सब करते रहते हैं। तो एक बंदा था, वैसे तो मेरे चैनल पे कभी ऐसी आती नहीं है, आपने भी कभी नहीं देखी होगी, लेकिन एक बंदा थोड़े टाइम से कमेंट ऐसे कर रहा था। फिर भी एज अ क्रिएटर हम लोग इग्नोर करते हैं ऐसी चीजों को, और मैं भी इग्नोर कर रहा था, लेकिन 2-3 दिन से उसकी ऐसी कुछ कमेंट आ रही थी जिसको अब इग्नोर करना मैंने सही नहीं समझा, और मैंने उस पर फाइनली एक्शन लिया, वो भी मैं बताता हूँ। वो बंदे ने अभी 2-3 दिन से, मतलब मायरा के बर्थडे के पहले से, ऐसी कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था कि मायरा विल किल ऑन फ्राइडे, बराबर, डोंट इग्नोर, यू विल सी। मतलब ये बंदे को चाहिए था पूरा पूरा अटेंशन, जो मैंने उसको दिया ही नहीं एक भी बार, ना ही तो मैंने उसको, मतलब ये सब वो लोग होते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, या साइको बोल सकते हो, या मतलब इनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, या फिर ये लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है, बराबर, या तो ऐसी हरकतें करने में इनको मजा आता है, ये सब चीजें ये लोग करते हैं, बराबर। लेकिन ये पिछले 4-5 दिन से, 4-5 दिन तो नहीं, 3-4 दिन से ऐसे कमेंट कर रहा था, मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब फाइनली मैंने एक्शन लिया। आज रात को ही उसने सारी कमेंट जो है डिलीट कर दी है, बराबर, लेकिन अच्छा है मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, और मैं वो स्क्रीनशॉट अभी वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट सारे अपलोड भी कर दिए। मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैं इसका यूजर नेम भी ब्लर कर रहा हूँ, मतलब
क्योंकि ये बंदे को चाहिए था अटेंशन कि मैं उसका नाम लूं और उसके साथ बातचीत करूं, भिड़ू उससे, तो ये कुछ करना नहीं है मेरे को। मैंने उसका स्क्रीनशॉट सारा का सारा साइबर क्राइम ऑनलाइन जो पोर्टल होता है, जो आप सबको पता होगा, वहां पर मैंने कंप्लेन कर दी है। तो भाई अब तू मेरे को जो बोल रहा था, अब तू तेरा देख ले बराबर, मैंने कंप्लेन कर दिए। वैसे उसने कमेंट तो सारी दो चार पहले खराब कमेंट थी भी, कमेंट भी थी, और उसके बाद माहिरा को मारने की धमकी उसने ऐसी दी थी। तो वो मैंने स्क्रीनशॉट से मतलब सारे के सारे स्क्रीनशॉट खींच के रखे थे, तो सारे मैंने अपलोड भी कर दिए। एक दो मैं व्लॉग में भी अभी ये वीडियो के ऊपर आपको दिखा दूंगा। तो इसका नाम मैं इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये सारा काम इसने जाने अनजाने में क्या जान के ही किया है अटेंशन के लिए। लेकिन अगर मैं उसको नाम ले लूंगा तो उसका मकसद जो है पूरा हो जाएगा कि मैंने उसको इतनी अटेंशन दे दी, व्लॉग में भी बता दिया उसके बारे में। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो मेरा ब्लॉग तो देखता ही है, तो ये उसके पास ये बात भी पहुंच जाएगी कि भाई तेरे को ना पता हो तो मैं बता दूं कि तूने भले ही वो जो नाम है वो तेरा फेक हो या तूने फेक यूट्यूब चैनल बनाया हो फेक जीमेल आईडी से, लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे तेरी पकड़ा जाएगी। तो वो जो भी यूजर नेम से तूने किया है उसका सारा चिट्ठा निकलेगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो अभी मैंने मेरी तरफ से मेरा काम कर दिया है, अब भाई तू अपना देख ले। तो ऐसे लोगों को इग्नोर ही करते हम लोग, और जो भी और कोई क्रिएटर हो जो मेरा वीडियो देख रहा है तो उनको भी मैं बोलूंगा कि अगर ऐसी कमेंट ऐसा कुछ आता है तो उसको इग्नोर करो, लेकिन बात जब थोड़ी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो प्लीज, साइबर क्राइम सुविधा है अपने पास और ऑनलाइन सरकार अपने को इतनी सुविधा दे रही तो हम एक्शन क्यों ना ले। तो हम मैंने एक्शन ले लिया। अब तो आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है तो तुरंत एक्शन लो, बाकी तो कुछ ये लोग करने कुछ नहीं वाले, सबको पता है इनसे होगा कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए करते हैं। तो ठीक है, देते हैं ना थोड़ी अटेंशन, आपको भी देते हैं, लो अभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से अटेंशन देते हैं। तो भाई ये जो भी ऐसी मानसिकता है प्लीज ये सब बंद कर दो, इसमें क्या मिलेगा रे, क्या मिलेगा, ऊपर से तकलीफ में आओगे, हमको क्या फर्क पड़े, हम तो इग्नोर ही करते हैं बराबर कमेंट, जैसी ऐसी कोई कमेंट आती इग्नोर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमको ज्यादा कुछ ऐसा लगता है कि ज्यादा चौंट रहा है ज्यादा कमेंट, तो हमारे को तो क्या करना, सिर्फ रिपोर्ट करना है या तो फिर ब्लॉक करना है और क्या। वैसे तो अगर हम एक को ऐसे सबको रिप्लाई देने लगे तो कैसे चलेगा, मतलब कोई भी क्रिएटर नहीं देगा आपको बराबर। तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं, अटेंशन लो तो अच्छी कमेंट करके भी तो ले सकते हो, अच्छी कमेंट करो, अगर ऐसी अटेंशन फिर लेने का भी क्या मतलब, ये बताओ। तो भाई शांति से रहो, ये सब करने नहीं, लेकिन आपने जो कृत्य किया था, आप क्यों बोल रहे हो, तूने जो भी कुछ किया था वो उसका तो जो भी तेरा अभी होगा गवर्नमेंट की तरफ से देख ले भाई। मैंने मेरे हिसाब से कंप्लेंट कर दी, तेरे सारे स्क्रीनशॉट अपलोड हो चुके हैं, मैं अभी व्लॉग में भी डाल रहा हूँ, मैं यूजर नेम तो नहीं दिखा रहा वरना ऑडियंस ही जाके तेरे को वहां पर जो के उसके चैनल में कोई वीडियोस ने ऐसा कुछ है नहीं, 3 साल पहले उसने जो है यूट्यूब चैनल मतलब वो यूट्यूब का अकाउंट बनाया हुआ है उसमें से वो मेरे को कॉमेंट कर रहा था, उसके चैनल में कोई वीडियो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मैंने बहुत सारे लोगों में कर रहा होगा पता नहीं, तो कोई नहीं, मेरे एंड से मेरे से जो भी मैंने मेरे को करना था वो मैंने कर दिया। तो ऐसे लोगों को इग्नोर ही करते चलेंगे, लेकिन ये करना जरूरी था इसलिए मैंने किया, वरना अगर ये यहाँ पर इनको नहीं रोका जाता तो ये आगे बढ़कर और भी अलग 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 इनके दिमाग में उपज आती जाती कि ऐसी कमेंट करो ऐसी, लेकिन अब यहाँ से ये रुक जाएगा 100%। वैसे तो पता नहीं क्या हुआ, कमेंट डिलीट तो कर दिए आज ही डिलीट किए, लेकिन फिर भी कंप्लेंट करना था बनता था। तो कोई नहीं, इग्नोर करते ऐसे लोगों को, बाकी अपने अपने मस्त लाइफ जीते जी रहे हैं, कल जिएंगे और कल के जिएंगे रोज जिएंगे। कल मैं ये बोलने वाला था कि कल वापस शूट करना है, तो आज लेट नाइट तक जग के मेरे को स्क्रिप्टिंग बाकी है, तो पेज लेके ही बैठा हूँ मैं, स्क्रिप्टिंग करूंगा और कल फाइनली शूट करेंगे, क्योंकि घर वाली बाहर वाली का संडे को पार्ट 3 डालना है। तो बस आप लोग वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू।